दोस्तों एक टाइम था जब सीबीआई जैसी संस्थाओं के ऊपर लोगों का भरोसा हुआ करता था कि सीबीआई के पास कोई केस जाएगा तो वहां पर कुछ ना कुछ तो निर्णय निकल कर ही आएगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे देश में हुए हैं कांग्रेस के जमाने से लेकर बीजेपी के जमाने तक, जिनमें बहुत सारे केसेस में न्याय नहीं मिला है। इंसाफ की उम्मीद लोगों को अभी भी है लेकिन कुछ पता नहीं चल सका है। तो सीबीआई अब वो संस्था हो चुकी है जिसके ऊपर आप जरा सा भी विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज हमने सुशांत सिंह राजपूत वाले केस में देख ली है और बहुत ही बेरहमी से देखी है कि सीबीआई के पास बहुत कुछ जानकारी होते हुए भी वो कुछ नहीं कर रही है और ना कुछ कर पाएगी। कहा जाए तो सीबीआई को आज भारत रत्न जैसी उपाधि भी दे दी जाए तो ये कोई मतलब नहीं होगा। ये सीबीआई वाले भारत रत्न से भी ऊपर हो गए हैं कि कोई केस सुलझा ही नहीं पाते हैं। कहानी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सीबीआई को एक और जिम्मेदारी सौंपी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, और ये जिम्मेदारी ऐसी है कि सेंसर बोर्ड के ऊपर रिश्वत लेने का जो आरोप लगाया है साउथ के जो एक्टर हैं विशाल, जो उनकी फिल्म आने वाली है मार्क एंटनी, उसके हिंदी वर्जन के लिए जो भी प्रक्रिया थी उसके लिए 6.5 लाख रुपए की रिश्वत ली गई थी। जो सेंसर बोर्ड में बैठे हुए कुछ 2-3 लोग हैं उनके नाम सामने हैं, उनके नाम रजिस्टर भी कर दिए गए हैं, सीबीआई ने केस की शुरुआत भी कर दी है। लेकिन मिला जुलाकर मैं यही बताता हूं कि इस केस में निकलकर कुछ भी आने वाला नहीं है, इतनी तो हम पूरी गारंटी जानते हैं, क्योंकि एनसीबी हो गई, ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ये किसी भी केस में एंट्री तो बड़े ही लाम लश्कर के साथ करते हैं, बहुत ही तेजी के साथ करते हैं, ढोल नगाड़े पीते जाते हैं सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक, लेकिन निकलता क्या है? जीरो। कुछ भी रिजल्ट निकल कर नहीं आता है, केस हवा हवा ही हो जाता है। इतने सारे केसेस हमने पिछले 2.5-3 साल में देख लिए। अब यहां पर केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया, मंत्रालय की तरफ से, कि जो भी लोग होंगे उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। तो भैया माफ क्या करेगी सीबीआई, वो तो सभी को पता है। और यहां पर भी वही निकल कर आने वाला है कि जितने भी लोगों के ऊपर रिश्वत का आरोप लगा है इनका एक बाल तक बाका नहीं हो सकेगा। इस बात की तो हम पूरी डंके की चोट पर गारंटी दे सकते हैं।